एक वाक्य है जो मुझे बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, कि जब वो मोहब्बत रंग लाएगी जनाब ऐसा ऐसा रिकॉर्ड हो जाता गाना, तो उस गाने की जो बाट थी वो शायद अनु भाई एक डिफरेंट तरीके से गा रहे थे, और वो अरेंजमेंट जो हो रहा था गाने का, वो अरेंजमेंट और वो बाट मैच नहीं हो रही थी। मुझे आज तक याद है कि रफ़ी साहब को जब वो गाना मोहब्बत रंग लाएगी जना आहिस्ता आहिस्ता के जैसे जो, तो जैसे वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो उन्होंने इस बात को ऑटोमेटिकली इतनी खूबसूरती से समझा कि अनु भाई थे और अरेंजमेंट थे, तो उन्होंने बोला कि एक मिनट रुको, मैं इसको इस तरह से अगर बात को इसको जो रोकता हूँ इस जगह पे, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और तुमको इसको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी एंड इतना ब्यूटीफुली उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा, और अनु भाई यंग थे, उनकी उम्र शायद मेरे को लगता है 20 या 21 साल की होगी, एंड इतना बड़ा 120 पीस ऑर्केस्ट्रा था और रवि साहब गा रहे थे, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन था, मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन था कि मेरे आपके बड़े क्या भाई, दोस्त मेरे मेरी उम्र 16 साल की, 16 या 17 साल। इतनी समझ थी कि रवि साहब पागल इतने बड़े लेजेंड्स के सामने ना। हाँ, और वो इतनी खूबसूरती से हमसे मिले थे, और उनके हमारे डैडी को सदाम अली साहब को बहुत प्यार करते थे, तो बड़े प्यार से हमें मिले ऐसे ऐसे करके, बोले हाँ बेटा। और मेरे को आज तक याद है जब मैं उनकी छाती से लगा था, मैंने अपना सर जब यहाँ रखा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि सही मायने में मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने अल्लाह की कोई शख्सियत को छू लिया या किसी चीज़ को छू लिया। मैं आज भी वो चीज़ दोहराता हूँ, और उनकी क्रीम शर्ट और क्रीम ट्राउजर के अंदर वो जो सामने से गुजरते थे, तो हम लोग वेट करते थे कॉरिडोर में जाके कि जब वो सामने से गुजरेंगे सिंगिंग माइक तक जाएंगे तो एक बार और देख लेंगे। और बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। एक ऐसा भी दौर था जब रफ़ी साहब के साथ हम लोग 10-15 दिन पहले मिले थे, और 10-15 दिन तक, 2 हफ्ते तक हम लोग मिले नहीं थे, उनकी तबीयत शायद कुछ नासाज थी या। तो एक दिन जब मैं और अनु भाई हमारे घर में, छोटे से घर में लेटे हुए थे, तो वहाँ पर पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया अंदर से आया, और उस पर लिखा था कि रफ़ी डाइस। आपको मैं बता दूं कि अनु भाई का लाइफ में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था रफ़ी साहब का, टर्निंग पॉइंट, कि उन्होंने इस को बहुत टैलेंटेड मानते थे वो अनु भाई को, कि बच्चे में बहुत, और डैडी को बताया भी था कि बहुत एनर्जी है, बहुत टैलेंट है। जब अनु भाई को पेपर आया और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे जब वो न्यूज़ देखी, तो अनु भाई बच्चे की तरह रोने लगे, और उनको ऐसा लगा मानो जैसे कि उन्होंने अपने सर से एक बहुत बड़ा, अपने माँ बाप के होने का साया खो दिया हो। और मैंने वो चीज़ उनकी मैं आज तक नहीं भूलता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारी फैमिली पे, फैमिली पे था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रफ़ी साहब की जो आप कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज आई थिंक इस तरह के लोग बस बन जाते हैं, और छोटे समय के लिए आए, हालांकि हमेशा ऐसा मन करता है कि आज भी होते तो वो आज भी बहुत हमारे संगीत के लिए बहुत अच्छा होता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।